दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं T100 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की, जो कि वायरलेस चार्जिंग के साथ आती है। 1.99 इंच की इन्फिनिटी डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और एप्लीकेशन की बात करें तो इसके अंदर हाई वॉच प्रो एक एप्लीकेशन आता है, इसको डाउनलोड करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड्रॉयड में भी दोस्तों ये मिल जाएगा आपको और आईफोन के अंदर भी आपको मिल जाता है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट, यहाँ से हटा लेते हैं। इसके अंदर हमें एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं, और हमें ये ब्लैक कलर का इसके अंदर स्टेप देखने को मिल जाता है, ये देखें। और एक इसके अंदर हमें वायरलेस चार्जिंग केबल मिल जाती है, यानी चार्जर ये वायरलेस है, ये देख सकते हैं आप। किसी भी चार्जर के अंदर लगा के और इसके ऊपर वॉच रख के चार्ज कर सकते हैं वॉच को। और एक इसके अंदर हमें स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है, हमारी स्मार्ट वॉच जैसे कि अल्ट्रा के अंदर। दोस्तों यहाँ पर भी एक बटन और एक क्राउन और ये बटन भी है, और एक यहाँ पर आपको बटन, यहाँ पर स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर आपको माइक का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो इस स्मार्ट वॉच को ऑन करने के लिए आपको ये वाला बटन कुछ देर तक प्रेस करना है, ये देख सकते हैं हमारी स्मार्ट वॉच जो है वो ऑन हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो बटन है, इसको जब आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर देखें लाइट जलेगी फिर बंद हो जाएगी। प्रेस करेंगे तो आपका ये मेन्यू है वो निकल कर आ जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो दोबारा से होम पर आ जाएगा। फिर इसको दोस्तों आप घुमाएंगे तो आपके वॉच फेसेस जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो वॉच फेसेस जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन का भी सपोर्ट मिल जाता है आपको, और आपको ऑलवेज ऑन सिर्फ इसी ये लुक में ही मिलता है, आपको दूसरे लुक में आपको देखने को नहीं मिलता है। ये वाला बटन दोस्तों जो आपको दिख रहा है, इस पर यहाँ पर क्लिक करके आप जो है शॉर्ट से अपने स्पॉट्स मोड वगैरह निकाल सकते हैं, और कोई दूसरा अगर चेंज करना चाहें तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बैक करने के लिए दोस्तों ये वाला बटन का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर आप इस तरीके से करके ऐसे भी कर सकते हैं, या इस बटन से भी आप प्रेस करके बैक जा सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों ओवरऑल इसकी डिज़ाइन की बात करूँ तो मुझे डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों। यहाँ पर आपको साइड में ये देख सकते हैं आपको मेटल बॉडी मिल जाती है, पीछे आपको प्लास्टिक में ही है दोस्तों, पर ग्लास टाइप का लग रहा है ये, पीछे प्लास्टिक और साइड में आपको मेटल मिल जाती है। स्मार्ट वॉच हमारे हाथ पे किस तरीके से लग रही है, तो डिज़ाइन मुझे दोस्तों काफ़ी सही लग रही है इसकी, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो डिज़ाइन के हिसाब से दोस्तों बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। ब्लैक कलर में आपको इसके स्टेप जो है अलग अलग कलर के अलग से अलग स्टार लेना चाहें तो आपको मिल जाते हैं, पर ये ब्लैक कलर भी दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगी कि कॉलिंग वाला ऑप्शन है, इसको आप बंद कर देंगे तो कॉलिंग पर बात नहीं कर पाएंगे, ये देख सकते हैं ऑफ हो चुका है। इसको ऑन कर देंगे तो कॉलिंग पर आप बात कर पाएंगे। टॉर्च भी आपको इसके अंदर मिल जाती है, डू नॉट डिस्टर्ब, फ्लाइट मोड और स्टाइल मिल जाते हैं आपको, स्टाइल अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। इसको ऊपर से नीचे तक स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह में जो आपके आएंगे मैसेज वगैरह वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। राइट में जब स्वाइप करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, और इधर आप स्वाइप करते रहेंगे तो आपका जो वॉच फेसेस है वो चेंज होते जाएंगे इस तरीके से। मेन्यू निकालने के दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका मेन्यू निकल आएगा इस तरीके से, और दूसरा निकालने का तरीका आप इसको बटन को प्रेस करेंगे तो आपका मेन्यू जो है वो निकल कर आ जाएगा। इसके अंदर आपको कैलकुलेटर भी मिल जाता है दोस्तों, और अगर हम बात करें इसके अंदर आपको गेम भी देखने को मिल जाता है, फाइटर पायलट ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसके अंदर गेम आपको मिल जाता है। और इसके अंदर म्यूज़िक बजाना चाहें तो आप म्यूज़िक भी बजा सकते हैं, पर मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद फ़ोन बुक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर इसके अंदर आप लगभग कुछ जो है वो आप नंबर कॉन्टेक्ट वगैरह सेव कर सकते हैं। यहाँ पर बारकोड है, इसको स्कैन करके आप इसका एप्लीकेशन है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। यहाँ पर दोस्तों आपको कैलेंडर का भी सपोर्ट मिल जाता है, कॉलिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, पर कॉलिंग वाला जो है दोस्तों जब आपका मोबाइल से कनेक्ट होगी तभी आपका ये काम करेगा। सेटिंग के अंदर दोस्तों चेंज वॉच फेसेस का ऑप्शन मिल जाता है, सीरी का मिल जाता है, लैंग्वेज आपको इसके अंदर कुछ मिल जाती हैं, बैक लाइट टाइम का यहाँ पर आप जो है वो 3 मिनट तक लगा सकते हैं, और गो बैक टाइम का जो है वो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। ऑलवेज ऑन वाला जो सिस्टम है ये, वो इसको यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। लाइट जो है वो आप यहाँ से अप डाउन वगैरह करना चाहें
वो कर सकते हैं दोस्तों। ये कुछ दोस्तों इसके अंदर आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाते हैं, हार्ट रेट वाला है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। इस स्मार्ट वॉच को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है हाई वॉच प्रो। इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपको परमिशन मांगेगा, जितनी भी परमिशन मांगे आप इसको सबको ओके करते जाएं। यहाँ पर एग्री कर देंगे हम, यहाँ पर ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पर सेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर लोकेशन आपकी ऑन करने के लिए बोल रहा है, तो आप यहाँ से लोकेशन ऑन कर देंगे। फिर दोबारा से इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कनेक्टिंग शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर बहुत सारी स्मार्ट वॉच खुली हुई हैं, वो यहाँ पर आ चुकी हैं। हमारी जो स्मार्ट वॉच है वो T100 अल्ट्रा है, तो इस पर हमने क्लिक करना है और इसका जो टाइम है वो भी आपके सामने देख सकते हैं, खुद सही हो जाएगा, देख सकते हैं टाइम सही हो चुका है। तो ये हमारी स्मार्ट वॉच जो है दोस्तों मोबाइल से कनेक्ट हो चुकी है। और अब देख सकते हैं यहाँ पर हम फाइंड डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो ये वाइब्रेट करना शुरू हो गई यहाँ पर, और अपनी स्मार्ट वॉच हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। दोस्तों रिमोट शटर का ऑप्शन आता है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं अंदर आपके एक जो है बटन बनकर यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, और इससे आप फ़ोटो खींच पाएंगे। देखें 3 सेकंड के अंदर हमारा ये फ़ोटो खींच गया यहाँ पर। दूसरा दोस्तों नीचे ऑप्शन आपको मिलता है मैसेज पुश का, इस पर क्लिक करेंगे आप तो जो जो कॉल का नोटिफिकेशन है वो खुद ऑन हो चुका है। SMS नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो यहाँ से ऑन कर दें, और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्काइप, जो जो आपको नोटिफिकेशन चाहिए यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर कॉन्टेक्ट सेव करने के लिए आपको ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर नाम और नंबर आपको, जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ हेल्प, ये नंबर हमने 198 डायल कर दिया और इस पर ओके कर दिया। अब ये जो हमने कॉन्टेक्ट सेव करा है दोस्तों ये हमारी स्मार्ट वॉच के अंदर आ चुका होगा, हम आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं फ़ोन बुक के अंदर यहाँ पर आ चुका है, इसको लगाना है तो यहाँ पर हमने क्लिक करा। अब ये हमारा नंबर जो है भी लगेगी नहीं इसके लिए दोस्तों, अगर आपको कॉल इसके अंदर लगाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ब्लूटूथ सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है, और ये स्मार्ट वॉच के अंदर आपके दोस्तों ये वाला ऑप्शन जो है कॉलिंग वाला ये ऑन होना चाहिए, देख सकते हैं। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं 300 अल्ट्रा लिख के आ चुका है, इस पर हमने क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं पेयरिंग का ऑप्शन आ चुका है, पेयर कर दिया ये यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक्टिव जब लिख के आ चुका है, अब हम यहाँ पर जो कॉलिंग वाला ऑप्शन है हमारा ये देख सकते हैं, हेल्प जो नंबर है हमने इस पर क्लिक करा, ये देख सकते हैं हमारी कॉल जो है वो लग चुकी है। यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन आ चुका है, ये देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर हमारी स्मार्ट वॉच के अंदर कॉलिंग जो है वो लग चुकी है। इसके अंदर ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं आता है, डायरेक्ट यहाँ से आप काट सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। नंबर वगैरह डायल करना चाहते हैं तो वो यहाँ से अपने हिसाब से जो भी नंबर डायल करना चाहें वो यहाँ से डायल कर सकते हैं। जैसे हमने 121 डायल करा, इस पर क्लिक करा और हमारी कॉल जो है वो लग चुकी है, ये देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर चेक कर लेते हैं कि अगर हम कोई गाना वगैरह बजाते हैं तो वो हमारी स्मार्ट वॉच के अंदर बजता है कि इसके अंदर। दोस्तों ये गाना जो है वो हमारी स्मार्ट वॉच के अंदर चल रहा है, और हमें जो है अपनी स्मार्ट वॉच में अगर गाना नहीं चलाना है तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन कोई है कि नहीं है। यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखा रहा है, फ़ोन कॉल्स, मीडिया कॉल्स। तो मीडिया वाला जो ऑप्शन है इसको हम बंद करते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या है, गाना बजाते हैं, अब हमारे मोबाइल के अंदर बज रहा है। अब इसके अंदर हम कॉल लगा के देखते हैं कॉल लगती है कि नहीं, तो दोस्तों कॉल भी नहीं लगती है, तो ये चीज़ थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगी। तो इसके लिए आपको जो है फिर दोबारा से जाना है इसके अंदर, अब इसको ऑन करना है, अब हम कॉल लगा के देख लेते हैं तो अब कॉल लग रही है। तो दोस्तों ये वाला ऑन भी होना चाहिए तभी कॉल लगेगी। एक चीज़ और है दोस्तों इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं, पहले हम गाना कोई बजाते हैं, हमारी स्मार्ट वॉच के अंदर जो है वो गाना बज रहा है, ये वाला ऑप्शन है, इसको हम यहाँ से भी आप जो है वो बजा सकते हैं, देख सकते हैं हमने क्लिक करा ये हमारा जो है, और यहाँ से गाना भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं हमने चेंज कर दिया। तो इस तरीके से इसका वॉल्यूम भी यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं,
तो ये तो म्यूज़िक के अंदर दोस्तों, पर आपको अगर इस पे कॉलिंग पे बात करना है तो आपकी म्यूज़िक भी इसी के अंदर चलेगी। तो अगर आप म्यूज़िक नहीं चलाना चाहते हैं तो एक ऑप्शन आपको इस घड़ी के अंदर मिलता है कि यहाँ पर इसको बंद कर दें तो ब्लूटूथ आपका ऑफ हो जाएगा, तो आपका जो गाना है वो आप मोबाइल के अंदर बजना शुरू हो जाएगा। फिर इसको ऑन कर दें, ये देख सकते हैं ऑन हो चुका है, और यहाँ से इसको दोबारा से कनेक्ट कर दें, कनेक्टिंग पे चलेगा, फिर ये कनेक्ट हो जाएगा और दोबारा से आप कॉलिंग कर पाएंगे। अगर आपको इसके अंदर जो है अपना वॉलपेपर वगैरह लगाना है या इसके अंदर जो इसका वॉच फेसेस है वो दूसरा कुछ चेंज करना है, तो इसके लिए आपको दोस्तों सिंपली डायल सेटिंग में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे वॉच फेसेस आ चुके हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से, जैसे ये वाला आपको लगाना है, इंस्टॉल करके इसको लगा सकते हैं आप। अगर आपको अपना फ़ोटो लगाना है तो नीचे जाके यहाँ पर कस्टम डायल लिखा है, इस पर यहाँ पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर देखते हैं सिलेक्ट इमेज पर, हमारा ये हमने चूज़ कर लिया है। यहाँ पर इसका साइज़ जो है वो छोटा या बड़ा यहाँ से आप कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में आपको यहाँ से जूम वगैरह या नहीं करना है, वो सब अपने हिसाब से मैनेज करके फिर यहाँ पर ऊपर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो है वो इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो क्लिक करा, तो दोस्तों इसके जो एप्लीकेशन है यानी बैटरी जो पावर है उसका वो लो है, इसलिए जो है वो ये हमारा नहीं हो पा रहा है। आप इसको चार्ज करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस पर हमने क्लिक करा तो यहाँ पर लिख के आ चुका लो बैटरी, तो यहाँ पर बैटरी का जो पावर है वो थोड़ा सा कम है इसलिए यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी कम है, तो इसको बैटरी चार्ज करके आप इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम चार्जिंग की बात करें तो इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, तो इसका जो चार्जर है वो ये देखें इस तरीके से है, आप इस पर क्लिक करके रखेंगे देखेंगे मैग्नेटिक है, चिपक जाएगा और आप जो है चार्जर के अंदर लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं इस तरीके से। सिर्फ आपको इसके अंदर रखना है, दूसरी साइड में दोस्तों ये रखेंगे तो नहीं चिपकेगा, जिधर से चिपके ये देख सकते हैं, जिधर से ये चिपक जाए, जिधर से नहीं चिपक जाए उसी तरीके से आपको रखना है और इसको अपने चार्जर में लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।